साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और आज की ये खबर प्रत्येक युवा विद्यार्थी के मन में आग पैदा करने वाली खबर है। खबर है भीलवाड़ा की ईश्वर गुर्जर की कहानी। मुझे नहीं लगता है कि आप ईश्वर गुर्जर के परिचय के मोहताज हों, क्योंकि पिछली बार भी यूपीएससी की परीक्षा हुई और पिछली बार की यूपीएससी परीक्षा में आईआरएस कैडर इनको मिला है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, किसान के बेटे हैं और हकीकत सत्य कि 2018 तक इनको ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी का पेपर किस प्रकार दिया जाता है। ये कहानी हर प्रतियोगी के मन को विचलित कर देगी। यानी एक वो विद्यार्थी जिसको 2018 तक ये पता नहीं था कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किस प्रकार से एग्जाम होती है, उस विद्यार्थी के मन में ये सवाल पैदा होता है। एक आईएएस अधिकारी के घर पर जाने से जब नेम प्लेट वहां पर बोर्ड पर लगी होती है, उस नेम प्लेट से इतना प्रभावित होता है कि अब कुछ करने का जज्बा अंदर पैदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी राज की बात, ये विद्यार्थी दसवीं में फेल भी हो चुका है। जब दसवीं में फेल हुआ तो मन में एक बड़ा विषय था कि ओपन से मैं दसवीं पास कर लूंगा, लेकिन खिलाड़ी अच्छा था, प्लेयर अच्छा था तो उसके साथ रेगुलर ही दसवीं करनी पड़ी, क्योंकि स्कूल से गेम में आप जाते हैं तो उसका एक अलग ही बात होती है, क्योंकि ओपन से अगर आप गेम खेल नहीं पाएंगे, सीधी बात यह है। चलिए खैर, यह है ईश्वर गुर्जर की कहानी। यूपीएससी का रिजल्ट आया, 555वीं रैंक है, 12वीं में 68% है, बीए प्राइवेट से की है, सिविल सेवा में 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन हार नहीं मानी है। एक दसवीं फेल विद्यार्थी, उसको 6 साल पहले इस बात का पता चलता है कि सिविल सेवा कैसे देते हैं और 4थे प्रयास में आईआरएस बनाए और 5वें में अब इनको आईपीएस कैडर मिल गया है। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम पूरा लेते हैं, भास्कर की इस रिपोर्ट को अपन आज एनालिसिस करते हैं, भास्कर की इस रिपोर्ट पर कि किस प्रकार ये दसवीं का विद्यार्थी अपने मुकाम को, अपने गांव को, अपने समाज को और इस राष्ट्र के युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करता है ये विद्यार्थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा पर 12th फेल मूवी बनी है और 12th फेल मूवी अच्छी मूवी रही है, युवाओं की प्रेरणा स्रोत मूवी रही है। विकास सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, विकास दिव्य कीर्ति सर का। लेकिन ये कहानी भी कम नहीं है मनोज सर की कहानी से। वो मनोज 12th पास था, ये वो मनोज 12th फेल था और ये हमारा ईश्वर 10th फेल है। कहानी बड़ी रोचक है, वो भी बिहार से निकल कर गया है, लंबा संघर्ष किया है और जिसका जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी उतनी बड़ी जीत होती है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। देखिए, मैथ साइंस तो समझ में ही नहीं आती थी, दसवीं में सप्लीमेंट्री आता है, 12वीं में 68% बनते हैं, बीएसटीसी की एग्जाम में कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाया, वन रक्षक, पटवारी, जेल प्रहरी, आरएस जैसी कई परीक्षाओं में फेल हो गया। ये कहानी उनके लिए भी प्रेरणादायक है जो लगातार कई अटेम्प्ट देने के बाद में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। 2022 का सिविल सेवा इन्होंने क्लियर किया है, आईआरएस में इनका चयन हुआ है, 2023 में आईपीएस मिलेगी, अब इनकी 555वीं रैंक आई है। कुछ सवाल जो ईश्वर सिंह से किए गए, उन सवालों के जवाब क्या देता है ईश्वर सिंह, देखिए जरा। दसवीं में फेल कैसे हुए तो ईश्वर ने क्या जवाब दिया, दसवीं में फेल होने के पीछे ईश्वर का जवाब आप सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था, गांव सारे गांव एक जैसे हैं, बच्चे खेलने में मस्त रहते हैं, माँ बाप किसानी का काम करें या बच्चों पर ध्यान दें, रोजगार के साधन नहीं होते हैं गांव में, बहुत सारी चीजें होती हैं, पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे,
साइंस में शुरू से ही कमजोर था, दोनों ही सप्लीमेंट्री, फिर फेल, और उसके बाद कोई भी अफसोस नहीं था। सबसे बड़ी बात, अंदर से दिल से कोई अफसोस नहीं था कि मैं फेल हो गया। दरअसल मैं फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, कि पढ़ाई नहीं की थी। सही बात तो ये, पढ़कर क्या हो सकता है, पढ़ने का मन नहीं था, ओपन देना चाहता था, अगस्त तक एडमिशन नहीं लिया। बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर था और अगस्त में टूर्नामेंट आए, स्कूल का छात्र होने के शर्त रहती है अगर आप प्ले गेम खेलते हैं, इसलिए फिर से मजबूर होकर एडमिशन इनका लेना इनको पड़ गया है। ईश्वर से एक सवाल और पूछा गया कि इतना मोटिवेशन आपको कहां से मिला है, वो भी आप सुनिए इनकी जवान। दोस्तों, मोटिवेशन को ईश्वर ने क्या जवाब दिया वो आप देखिए, क्या जवाब देते हैं ईश्वर मोटिवेशन को लेकर। इतना मोटिवेशन कहां से आया, हिमाचल कैडर के आईएएस महेंद्र पाल जी को देखकर 2018 में पहली बार उनसे ही सुना था कि आईएएस की क्या ताकत होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, उनका क्या मान सम्मान देखा, इच्छा प्रबल हो गई। 4 साल पहले हिमाचल स्थित आवास पर गया, नेम प्लेट पर था महेंद्र पाल गुर्जर आईएएस, नेम प्लेट के साथ तस्वीर ली, ठाना की अब ये नेम प्लेट लगानी है। एक 10वीं फेल विद्यार्थी के मन में ये विचार आ गया कि अब ये नेम प्लेट लगानी है, तो एक विचार तो पैदा करना ही होगा मेरे दोस्तों। सिविल सर्विसेज कठिन परीक्षा है, अब आप पढ़ने में औसत रहे हैं फिर कैसे क्लियर की। औसत विद्यार्थियों को मेरा मैसेज, बिल्कुल मैं शुरू से ही पढ़ने में औसत रहा, लेकिन शुरुआत से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ता था, अखबार मैगजीन पढ़ता था, लिखने में बहुत अच्छा था, मेरी कई कविता कहानी मैगजीन में छपी हैं, दैनिक भास्कर की आहा जिंदगी में 5 कहानियां छपी हैं, और अच्छी शब्दावली और भाषा का फायदा मुझे मेंस में मिला। मुझे प्रीलिम्स में दिक्कत आई लेकिन मेंस में समस्या नहीं आई। अब आगे क्या, आगे की कहानी में एक और सवाल जब इनसे किया जाता है कि पढ़ाई में के प्रति सोचकर बदलाव कैसे आया। 10वीं में जब दूसरी बार फेल हो गया, सहपाठी अच्छे मिले, सब पढ़ने वाले थे, कहते हैं ना संगत अच्छी तो दिशा बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी संगत निश्चित रूप से रंगत बदल देती है। और एक पीटीआई मिले रामनारायण सर का भी इन्होंने जिक्र किया है, जीवन में जब सफलता अर्जित होती है और जो शिक्षक उस सफलता को प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं, उनका स्थान उस विद्यार्थी के दिल में मस्तिष्क में कितना होता है, ये तो आपको अब भली भांति पता ही चल गया होगा दोस्तों। 12वीं में 68%, और अब शिक्षक महावीर गर्ग ने बीएसटीसी के बारे में बताया कि बीएसटीसी कर लीजिए, यह पास कर ली तो टीचर बन जाएंगे, लेकिन एक नंबर से फिर फ्री रह गई है, प्राइवेट बीए की रीड दी, शिक्षक बना और फिर आरएस और फिर आईपीएस। तो साथियों, ये कहानी है ईश्वर गुर्जर की, और अब ईश्वर गुर्जर आईआरएस से आईपीएस बन चुके हैं। निश्चित रूप से हमारे जितने भी प्रतियोगी साथी हैं, हमारे युवा मित्र, उनको ईश्वर गुर्जर की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।